खरगोन मंडी में फल फ्रूट व्यापारियों ने व्यवसाय से परेशान होकर मोर्चा खोल दिया है और हड़ताल पर उतरकर शासन प्रशासन की मुहिम के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। हम आपको बता दें कि मंडी के अंदर फल फ्रूट की दुकानें लगाने के लिए प्रशासन ने अनुमति दी है और लोगों का व्यवसाय नहीं चलने की दशा में उन्होंने विरोध दर्ज कराया है। इस दौरान व्यापारियों ने बताया कि मंडी के अंदर व्यवसाय कम होने से उनका माल सड़ रहा है और आर्थिक तंगी के दौर से गुजरने पर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हमारा माल बिक नहीं रहा और कल भी मैंने कितना माल फेंका, हमको एटीएम साहब ने बोला था कि चार रोज में तुम्हारा कहीं भी डिसाइड करेंगे, वो लोग ने कोई हमारी डिसाइड करा नहीं, हमको बोला नहीं। और हमारा उनसे निवेदन यही है कि जहाँ हमारे ठेले लग रहे वहीं पे शिफ्ट कर दे। अभी क्या परेशानी आ रही? हमको परेशानी यही है, हमारा माल बिकता नहीं, अंदर हमको कौन दिए तो अंदर कहीं माल बिक नहीं रहा, सड़ रहा है, उसका माल को सब भरपाई भी नहीं हो रही और उसको फेंक रहे हम। नहीं नहीं, जैसे अभी प्रशासन जगह नहीं देती आपको बाहर, तो क्या करोगे? आप विरोध कर रहे हैं कि भाई हमको तुम जहाँ हमारे ठेले लग रहे हैं वहीं लगा दो कि हम घर पाएंगे। देखिए यातायात व्यवस्था गड़बड़ाई आएगी ना? हाँ नहीं है, हमको ठेले नहीं लगाने दे रहे नहीं, तो यातायात बाधित होता है उससे। कल से बंद है, संडे से बंद है ये मंडी। इसलिए बंद है कि हमारे लोगों को लगभग कोई एक रुपए की कोई फायदा नहीं है। यहाँ कल एसडीएम साहब ने बोला था कि दो चार दिन आप मंडी में के अंदर बैठ के देखो, उसके बाद में जो भी होगा हम निर्णय लेंगे। इसका 17 दिन हो गए और कल संडे से जैसे फ्रूट हमारा बिक नहीं रहा तो लोगों के पैसे भी नहीं बन रहे, तो आगे से पैसे आगे कोठे वालों को भी नहीं पैसे दिलवा पा रहे लोगों के। जैसे हमारी बुआ है, इन्होंने माल बहुत रुपये का लिया मतलब, तो आगे वाले के पैसे नहीं बने तो आगे से माल बंद है, इसलिए हमको माल नहीं मिल रहा, इसलिए हम लगभग माल बेचना बंद ही कर दिया। आगे यहाँ परेशानी क्या आ रही है? परेशानी यही है कि यहाँ धंधा है 50 आदमियों का और यहाँ 500 आदमियों को अंदर भर दिए। जैसे पूर्व में अशोक कुमार वर्मा जी कलेक्टर आए थे, उन्होंने कहा था कि आप अंदर बैठ के देखो, 10-12-15 दिन बैठे थे, फिर उनको लगा कि यहाँ पे धंधा नहीं चल रहा, तो उस हिसाब से उन लोगों ने फिर नगर पालिका के साथ चिन्हित करके सब लोगों को बाहर लगाए थे। अब क्या मांग करते हैं? अब हम यही मांग करते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी से, जैसे हमारे एसपी साहब है, कलेक्टर महोदय जी है, नगर पालिका शिव मैडम है, थाना प्रभारी है, इनसे यही निवेदन है कि गरीबों को थोड़ा देखे जाए, क्योंकि ये फ्रूट धंधा है, नए नए आइटम आते हैं, नए नए चीज आदमी रोड पे देखता है तो लेता है, नहीं तो अंदर अगर आप भर दिए यातायात बम्बई से लोग बकरा बकरी खरीदने आ जाएंगे। नहीं नहीं, यातायात व्यवस्था भी, यातायात व्यवस्था तो बहुत सही है, गड़बड़ाई आती है ना, गड़बड़ाई भी जाती है और क्या है कि अभी आप तो वन वे ही हो गया, उसमें कोई रोल ही नहीं है मतलब, तो इस हिसाब से आज खिचड़ी बनी आपने? आज खिचड़ी बनी है, कल से ऊपर मोल बांटे थे। कारण क्या है? कारण बस यही कि कोई बहुत ज्यादा परेशानी है, किसी का माल ही नहीं बिक रहा है। क्या नाम है आपका? माल सड़ रहा है, राकेश कुमार वर्मा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।